नमस्कार मित्रों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस चैनल में। भारत के सभी राज्यों में राशन कार्ड में आधार KYC स्टार्ट हो चुका है, तो अब आप लोग अपने CSC ID के माध्यम से लोगों के राशन कार्ड में आधार KYC कर सकते हैं। जिन लोगों का राशन कार्ड बना हुआ था और अगर उनका आधार KYC कंप्लीट नहीं है तो ऐसे में उनका राशन कार्ड लिस्ट से नाम भी हट जाएगा, साथ ही साथ राशन कार्ड भी निरस्त हो सकता है। तो अगर आप एक CSC BLE हैं, कॉमन सर्विस सेंटर संचालक हो, तो किस प्रकार से अपने CSC ID के माध्यम से लोगों का राशन कार्ड में आधार KYC कंप्लीट करेंगे, इसका कंप्लीट प्रोसेस आज की इस वीडियो में बताने वाला हूं। और प्रति KYC यहां पर आपको 50 से 100 रुपये तक का कमीशन भी मिलेगा। तो किस प्रकार से आप लोग राशन कार्ड में आधार KYC कंप्लीट करेंगे अपने CSC डिजिटल सेवा पोर्टल के माध्यम से, चलिए ले चलता हूँ आपको कंप्यूटर स्क्रीन पर, वहाँ पर ले चलकर आपको कंप्लीट जानकारी देते हैं। लेकिन आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आप चैनल पर पहली बार आए हो तो फटाफट चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ नोटिफिकेशन बेल आइकन को ऑल पर क्लिक करके ऑन कर दीजिए, ताकि आप इसी प्रकार के इन्फॉर्मेटिव वीडियो सबसे पहले देख पाएँ। तो चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, CSC के माध्यम से राशन कार्ड में आधार KYC करने के लिए सबसे पहले आपको अपने कंप्यूटर में कोई सा भी एक ब्राउज़र ओपन करना है और आपको ओपन कर लेना है अपना CSC डिजिटल सेवा। इसको ओपन करने के बाद आप सभी के सामने ये डैशबोर्ड ओपन हो जाएगा। अब आप किस प्रकार से CSC के माध्यम से राशन कार्ड में आधार KYC कंप्लीट कर सकते हैं, मैं आपको बता दूं कि हर एक स्टेट का, हर एक राज्य का अलग अलग ई डिस्ट्रिक्ट पोर्टल होता है जहां पर CSC लॉगिन एक्सेस दिया गया है। तो आप जिस भी राज्य से इस वीडियो को देख रहे हैं, आप लोग उस राज्य के राशन कार्ड ई डिस्ट्रिक्ट पोर्टल को आप लोग ओपन करेंगे। जैसे कि मैं यहाँ पर उत्तर प्रदेश राज्य का हूँ, तो मैं यहाँ पर उत्तर प्रदेश से जो उत्तर प्रदेश का ई डिस्ट्रिक्ट है मैं उसको ओपन करूँगा। UP ई डिस्ट्रिक्ट इस प्रकार से आपको भी सर्च कर लेना है। तो जैसे ही आप UP डिस्ट्रिक्ट सर्च करेंगे, आपके सामने इस प्रकार से लिंक आएगा, ई डिस्ट्रिक्ट उत्तर प्रदेश, आपको इस पर क्लिक करना है। जैसे ही आप इस ऑप्शन पर क्लिक करते हैं, आपके स्क्रीन पर इस प्रकार से डिस्ट्रिक्ट उत्तर प्रदेश का ऑफिशियल साइट आ जाएगा। अब यहाँ पर आपको अपनी CSC ID से लॉगिन होना होगा। तो CSC ID से लॉगिन होने के लिए यहाँ आपको मिलता है लॉगिन का बटन, इसमें आप आएंगे। तो यहाँ पर चलिए हम लॉगिन पर क्लिक करेंगे। जैसे आप लॉगिन पर क्लिक करेंगे, यहाँ आपको ई डिस्ट्रिक्ट लॉगिन का ऑप्शन दिखाई देगा, आप इस पर करेंगे क्लिक। जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे, आपके सामने इस प्रकार से डैशबोर्ड आ जाएगा। अब यहाँ पे आप लॉगिन टैब पे क्लिक करेंगे, CSC डिस्ट्रिक्ट यूजर को आप सिलेक्ट करेंगे और जो भी आपका यूजर ID और पासवर्ड मिला हुआ है CSC के माध्यम से, वो अपना यूजर ID और पासवर्ड यहाँ डालेंगे। तो यहाँ पे जो कैप्चा कोड दिया गया, कैप्चा कोड आपको ध्यानपूर्वक डालना है। अगर कैप्चा कोड आप गलत डालेंगे तो आप इसके अंदर लॉगिन नहीं कर पाएंगे। बार बार यहाँ पे कैप्चा आपको सही तरीके से ही डालना होगा। तो इस प्रकार से चलिए हम यहाँ पे कैप्चा कोड को डाल देते हैं। तो कैप्चा कोड को हम यहाँ पे डाल दिए हैं। अब यहाँ पे सीधा हम करेंगे लॉगिन। लॉगिन पे क्लिक करने के बाद आप देख पाएंगे हम अपनी ID के माध्यम से इस प्रकार से अपने ई डिस्ट्रिक्ट डैशबोर्ड के अंदर लॉगिन हो चुके हैं। लॉगिन हो जाने के बाद अब आपको राशन कार्ड में आधार KYC कंप्लीट करने के लिए क्या करना है, तो इसके लिए यहाँ आपको ऑप्शन मिलता है, देखेंगे यहाँ पर विभागीय एकीकरण सेवाएँ SSDG निस्तारित आवेदन, इसमें आपको मिलेगा विभागीय एकीकरण सेवाएं हेतु आवेदन करें, इस पर आपको करना है क्लिक। इस पर क्लिक करने के बाद आपके सामने इस प्रकार से इंटरफेस आएगा, यहां आपको अप्लाई फॉर इंटरग्रेटेड सर्विसेज पर क्लिक कर देना है। जैसे इस पर आप क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद इस प्रकार से सभी डिपार्टमेंट्स के नाम आ जाएंगे। तो यहाँ पे जो राशन कार्ड का डिपार्टमेंट है वो है फूड एंड सिविल सप्लाईज राशन कार्ड, आपको इस वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। जैसे आप इस ऑप्शन पर क्लिक करते हैं, इस ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद आपके सामने इस प्रकार से खाद्य एवं रसद विभाग का जो डैशबोर्ड है आ जाएगा। इसके अंदर आप लॉगिन हो चुके हैं। यहां आपको राशन कार्ड में आधार KYC कंप्लीट करने के लिए नक्शा पर क्लिक करना है। जैसे आप नक्शा पर क्लिक करेंगे, आपके सामने इस प्रकार से कई सारे ऑप्शन आएंगे। इसमें फिर से आपको 0.3 डॉट नक्शा पर क्लिक करना है। इस पर क्लिक करने के बाद आपको अपने माउस का एरो इस प्रकार से साइड में ले जाना है यहाँ पर। तो आप जब लेके आएंगे यहाँ पर, तो इस प्रकार से आप देख सकते हैं यहाँ पे राशन कार्ड बनाने का नया ऑप्शन दिया जा रहा है। आप यहाँ पे नया राशन कार्ड अप्लाई कर सकते हैं। राशन कार्ड में आप किसी प्रकार का संशोधन कर सकते हैं, यानी कि यहाँ से आप नाम को जोड़ भी सकते हैं, काट भी सकते हैं। और इसके बाद यहाँ पे अगर किसी व्यक्ति को राशन कार्ड अपना अभियान करना है तो आप वो कर सकते हैं, राशन कार्ड का नवीनीकरण कर सकते हैं। जो मेन चीज़ है राशन कार्ड में आधार KYC, तो यहाँ नीचे आओगे आपको देखने को मिल जाएगा 3.5 में राशन कार्ड में आधार सीडिंग, यही वो ऑप्शन है जहाँ पर आप लोग अपने राशन कार्ड में आधार KYC को कंप्लीट करेंगे। तो अगर आप एक CSC BLE हैं, जनसेवा केंद्र चलाते हैं, तो आपको ये चीज़ ध्यानपूर्वक रखना है कि अगर आपके पास कोई कस्टमर आता है अपने राशन कार्ड में आधार KYC करवाने के लिए, तो आपको इसी प्रकार से अपनी ID में लॉगिन करना है और इसके बाद राशन कार्ड में आधार
सीडिंग हेतु आवेदन जो ऑप्शन है आप इस पे आप क्लिक करेंगे। जैसे इस ऑप्शन पे क्लिक करेंगे यहाँ पे आपको अपना राशन कार्ड संख्या यानी कि राशन कार्ड जो नंबर है वो आप यहाँ डालेंगे और फिर आप आगे बढ़े पर क्लिक करेंगे। तो जैसे ही आप लोग राशन कार्ड नंबर डाल के आगे बढ़े पे क्लिक करते हैं तो आपकी स्क्रीन पर इस प्रकार से राशन कार्ड जिसका है उसका नाम, उसकी पूरी फैमिली का नाम आ जाएगा, यानी कि जितने भी राशन कार्ड में उसका मेंबर ऐड थे उन सभी मेंबर्स का नाम आ जाएगा और उसका यहाँ पे संबंध आ जाएगा। अब यहाँ पे राशन कार्ड में आधार ही KYC करने के लिए यहाँ पे आप देखेंगे आधार सीडिंग स्टेटस। तो यहाँ पे आप देखेंगे अगर किसी व्यक्ति का आधार संख्या यहाँ पे नहीं डाला हुआ है और यहाँ जहाँ पे यस यस लिखा, अगर यहाँ पे नो लिखा हुआ है तो यानी कि उसका आधार ही KYC कंप्लीट नहीं हुआ है। तो ऐसे में यहाँ पे आपको राशन कार्ड नंबर डालने का ऑप्शन दिखाई देगा, आप राशन कार्ड नंबर उस व्यक्ति का डालेंगे और यहाँ पे आपको ऑप्शन मिलता है अपडेट एंड सीड, इस पर आप क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद जो आगे अधिकारी को ये ट्रांसफ़र कर दिया जाएगा और उसके बाद इसके आधार कार्ड में राशन कार्ड जो है सीडिंग हो जाएगा, राशन कार्ड में आधार ही KYC कंप्लीट हो जाएगा। ये प्रक्रिया होने में लगभग 7 दिन का समय लग जाता है। तो ऐसे ही आप यहाँ से क्लिक करेंगे तो आपको आगे प्रोसीड करना है और एक पावती कटेगी, उस पावती यानी स्लिप को निकाल के कस्टमर को प्रोवाइड कर देना है और आप कस्टमर से 50 से 60 रुपये चार्ज कर सकते हैं। इस प्रकार से आप लोगों के राशन कार्ड में आधार KYC को कंप्लीट कर सकते हैं। अब जैसे कि हमने जो यहाँ पे राशन कार्ड नंबर डाला है इसमें सभी लोगों का ऑलरेडी आधार KYC कंप्लीटेड है, तो यहाँ पे अगर आपका आधार सीडिंग में सभी का SS दिखाता है यानी कि उसका आधार KYC कंप्लीटेड है, उसको कुछ भी करवाने की आवश्यकता नहीं है। तो उम्मीद करते हैं कि आप लोग अच्छे से समझ गए हैं। इसके अलावा अगर कोई और जानकारी चाहिए तो आप सभी हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर आप किसी और राज्य से हैं तो सभी राज्यों में अलग अलग एडिस्टिक पोर्टल्स होते हैं और उन सभी की ID उन सभी VLE को मिली होती है CSC के द्वारा या बिना CSC के भी आप लोग को मिल जाता है कई बार। तो आप लोग इस प्रकार से अपने उसी डिस्ट्रिक्ट में लॉगिन करके आप लोग चेक करेंगे, अगर आधार सीडिंग यस है तो यानी उसका KYC कंप्लीटेड है और अगर नो है तो उसका आपको आधार नंबर डाल के KYC कंप्लीट करना होगा। अगर नहीं करते हैं तो ऐसे में उसका नाम तो कटेगा प्लस हो सकता है उसका राशन कार्ड भी निरस्त हो जाए। उम्मीद करते हैं कि आप लोग समझ गए हैं और अगर चैनल पर पहली बार आए हैं और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो बराबर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही साथ नोटिफिकेशन बेल आइकन को ऑल पर क्लिक करके ऑन कर दीजिए ताकि आप इसी प्रकार की इन्फॉर्मेटिव वीडियो सबसे पहले देख पाएँ।